विगत अनेक वर्षों से दही हंडी का भव्य आयोजन करती आ रही सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था प्रताप फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष भी मीरा रोड पूर्व में शानदार एवं भव्य दही हांडी महोत्सव का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे से आयोजित दही हांडी उत्सव का कार्यक्रम आधी रात तक चलता रहा। उत्सव में शामिल सैकड़ों गोविंदा पथकों को चमचमाती ट्रॉफियों के साथ साथ नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। दर्शकों की संख्या के लिहाज से इस वर्ष की दही हंडी पूरे मीरा भाईंदर में अभूतपूर्व रही। रात 12 बजे तक हजारों की संख्या में लोग जयकारे लगाते रहे। वसई, विरार, नाला सोपारा, थाने, मुंबई से आए हजारों प्रतिष्ठित लोगों का संस्था के संस्थापक अध्यक्ष तथा लोकप्रिय युवा शिवसेना नेता विक्रम प्रताप सिंह ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना योजना की अपार सफलता को देखते हुए प्रताप फाउंडेशन द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना बम्पर लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता महिलाओं को स्कूटी, फ्रिज तथा वॉशिंग मशीन के अलावा 5-5 साड़ियां पुरस्कार के रूप में दी गई। मंच पर भीड़ का आलम यह रहा कि मंच पर उपस्थित नामी गायक कलाकारों को बड़ी मुश्किल से 1-2 गाना गाने को मिला। शारीरिक अस्वस्थता के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भले ही कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, परंतु मंच से लगातार मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के विकास और नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाती रही। मंच के माध्यम से ही शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक द्वारा मीरा भाईंदर के विकास की दिशा में किए गए रचनात्मक सराहनीय कार्यों की भी जानकारी दी गई। करीब 1 दर्जन फिल्मी सितारे भी इस उत्सव में शामिल हुए। कुल मिलाकर प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित दही हंडी उत्सव का कार्यक्रम अभूतपूर्व और शानदार रहा। आज ऐतिहासिक दही हंडी में अनगिनत हजारों की संख्या में गोविंदा पथक, लाखों की संख्या में यहाँ की नागरिक, मीरा भाईंदर शहर के नागरिक, मुंबई के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिक तथा जो है अनगिनत सैकड़ों हजारों जो है अतिथि, सैकड़ों स्टार सुपरस्टार, तमाम लोग इस प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित गोविंदा पथक 15वें वर्ष जो है, जो 15 लाख का इनामी राशि था, उसके बाद मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन बम्पर लकी ड्रॉ यहाँ पे रखा गया था, ऐतिहासिक ये दही हंडी का समापन हुआ। अनगिनत यहाँ पे कार्यक्रम हुए, अनगिनत यहाँ पे सिंगर थे, अनगिनत यहाँ पे सेलिब्रिटी थे। कब 2 बजे शुरू हुआ और अभी ये मुझे लगता है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 1 बज चुका है, 12:30 बज चुका है और ये अभी जाके समापन हुआ। तो मैं यहाँ के सबसे पहले पुलिस प्रशासन को, यहाँ के महानगर पालिका प्रशासन को, यहाँ के नागरिकों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि इतना प्यार उन्होंने प्रताप फाउंडेशन परिवार को दिया। मैं सभी का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये जो आपकी टीम है, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी टीम इकट्ठा करना। बिल्कुल, ये टीम का ही जो है सारा खेल है और टीम से ही गोविंदा का टोली बनती है और टीम से ये प्रताप फाउंडेशन बना है। तो ये टीम हमारी ऐसी है, यशस्वी टीम है जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम करते रहते हैं। आज भी उसी तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। ये टीम का ही काम है, टीम वर्क है और इसे हम सब मिलके हमेशा मीरा भाईंदर शहर के उत्थान के लिए, मुंबई के उत्थान के लिए, महाराष्ट्र का वैभव बढ़ाने के लिए, भारत की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम सब हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। जो है लास्ट एक सवाल है, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमने देखा शाम से लेके आप 1 बजे तक, ये एनर्जी कहाँ से? ये लोगों का जो प्यार है, जो आम जनता का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, ये छोटों भाइयों का जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो एनर्जी वहाँ से आती है। और हमारे जो वरिष्ठ लोक लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी, दूसरे नेता जो हमें प्यार करते हैं, वो एनर्जी इन लोगों के माध्यम से आती है। तो मैं ऐसा ही, मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा एनर्जी अच्छे कामों के लिए हम सभी के का बना रहे, ताकि हम महाराष्ट्र और मीरा भाईंदर का वैभव हमेशा बढ़ाते रहे। भैया आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ो।